Hey YouTube, my name is Porsche and welcome back in another video of Just Tech YouTube channel. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रेन यू एस बी का ऑल्टरनेट बूट रेन, जिससे बूट रेन से हम लिनक्स में डायरेक्टली हम बिना इंस्टॉल किए अपने चेक रेन को रन कर सकते हैं. तो आज मैं उसका भी एक ऑल्टरनेट लेके आ गया हूँ. इसका नाम है लाइव रेन. लाइव रेन एक ISO इमेज फाइल है जिसके थ्रू आप चेक रेन डायरेक्टली रन कर सकते हैं. ये पुराने वाली वीडियो में जो फाइल थी बूट रेन, उससे भी लाइट वेट है. ये सिर्फ 280 MB की है. तो इससे क्या होगा, हम इससे भी इसको बैंडर में बूटेबल बना के डायरेक्टली चेक रेन कर सकते हैं. और ये लाइट वेट वर्जन है तो ये जिनके पुराने CPUs भी हैं उनमें भी वर्क करेगी. तो बहुत इजी प्रोसेस है, मैं आपको भी बता देता हूँ इसको कैसे पेनड्राइव में बूटेबल बनाना है और सारी प्रोसेस. तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ. सो सबसे पहले आपको एक 4 GB की पेनड्राइव चाहिए होगी. मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB है और 8 GB आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं. तो 4 GB में अगर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये फाइल बहुत छोटी है, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ अभी. ये सिर्फ 280 MB इसकी है. और उसके बाद आपको एक रूफ़ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ये पेनड्राइव बूटेबल बनाने के आता है. तो सबसे पहले इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होल्ड कर लेंगे हम. तो उसके बाद अपनी पेनड्राइव इंसर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैं 8 GB की पेनड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, तो आप 4 GB की भी कर सकते हैं. तो उसके बाद आपको आपकी लाइव इमेज सेलेक्ट करनी है लाइव रेन की. तो मैं लाइव रेन की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ. इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं. और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारी सेटिंग्स वैसी रखनी है और आपको स्टार्ट कर देना है. स्टार्ट करने के बाद आपकी ये पेनड्राइव का बूटेबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा. आप देख सकते हैं इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. तो आप देख सकते हैं मैं आपको बिना स्किप करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटी फाइल है. बिल्कुल इसको लाइट वेट बनाया है चेक रेन के लिए ही, जस्ट प्लग एंड प्ले है. आपको चेक रेन आपका लाइव चल जाएगा और उसके बाद आप जेलब्रेक का प्रोसेस कर सकते हैं. और ये iOS 12 से लेकर iOS 13.3.2 तक वर्क करेगा. और 13.3.3 भी किसी में वर्क कर रहा है, बट कहीं एरर्स आ रहे हैं. अगर आपको -77 या -79 एरर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको आईफोन का फाइंड माई फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा. और आपका पासकोड लगा है तो आप उसको भी पहले ऑफ कर लीजिए जेलब्रेक से पहले, फिर ही जेलब्रेक कीजिए. और हमेशा चेक रेन को आपको रूट की परमिशन के साथ चलाना है. तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, पर सबसे पहले जेलब्रेक प्रोसेस करने से पहले आपको फाइंड माई फ़ोन और आपके जो पासकोड्स हैं या लॉक स्क्रीन कोड हैं सारे आपको डिसेबल रखने हैं, तभी जेलब्रेक का प्रोसेस करना है. और अगर आपका फ़ोन ऑफ ही है तो आप उसको, जैसे अगर आपका एक्टिवेशन लॉक लगा है तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, फिर ज़रूरत नहीं है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 90% हो गया है, तो ये बहुत जल्दी हो गया है. तो आप ऐसे इसको जल्दी से आप इसको बूटेबल बना लीजिए, फिर मैं आपको अपना रिस्टार्ट करके सारा प्रोसेस बाकी समझाता हूँ. ये मेरी पेनड्राइव बूटेबल बन गई है, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ. अब मैं अपना सिस्टम रिस्टार्ट करता हूँ. सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पेनड्राइव आ रही है 3rd नंबर पे. तो आपको डायरेक्टली पेनड्राइव से बूट कराना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लाइव रेन का इंटरफेस आ गया है. तो अब मुझे कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, ये ऑटोमेटिक लोड होगा. ये एक लाइव इमेज है तो ये ऑटोमेटिक सारा काम करेगा. इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको बूटेबल बनाना है, प्लग एंड प्ले, और उसके बाद आपका चेक रेन ओपन हो जाएगा. इसमें फ़ायदा यही है कि ये लाइट वेट है और ये पुराने मदरबोर्ड्स को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जिनके पुराने मदरबोर्ड हैं तो उनकी कम मेमोरी होती है, तो ये उसमें भी अच्छे से इंस्टॉल हो जाता है, लोड हो जाता है, आपका डेटा लॉस भी नहीं होता है. तो ये इसलिए इसका फ़ायदा यही है. ये ऑल्टरनेट ही समझ लीजिए आप, जो मैंने बूट रेन है उसका भी ऑल्टरनेट है और इसका साइज़ भी कम है. तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, 5 मिनट में आपका पूरा सारा काम हो जाता है, आपका बूटेबल भी बन जाता है और उसके बाद आप इसको चला सकते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चेक रेन का वॉलपेपर भी आ चुका है. तो अब यहाँ पे अपना नीचे क्लिक एयर है, तो आपको वहाँ पे जाना है. आपको क्लिक एयर पे जाने के बाद आपका टर्मिनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आपको क्लिक नहीं करना है, आपको जस्ट क्लिक एयर पे जाना है. उसके बाद आपको चेक रेन आपको लिखना है, तो CHECKRA1N आपको लिखना है. कमांड में आपका डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पर भी, आपको जैसे बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे लिख के एंटर कर देना है और आपका चेक रेन ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा. यहाँ पे आपको कोई भी कमांड डालने की ज़रूरत नहीं है और बस एक चेक रेन लिखना है और उसके बाद आपका वन क्लिक में ओपन हो जाएगा. और उसके बाद आप बाईपास का प्रोसेस और जेलब्रेक का कर सकते हैं. सॉरी, इसमें अभी जेलब्रेक ही होगा, बाईपास नहीं है. तो यहाँ से आपके सारे ऑप्शन सेम ही है जैसे आप जेलब्रेक करते हैं. तो मैं आपको भी वो भी करके दिखा देता हूँ. मेरे पास मेरा iPad mini 2 है. तो जेलब्रेक करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनके -39 -79 -78 या -21 एरर्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, आपको सबसे पहले आपके आईफोन या आईपैड में सेटिंग्स में जाना है और आपका पासकोड ऑफ करना है. पासकोड आपका जो भी कोई लॉक स्क्रीन कोड है वो आपको ऑफ करने हैं. फाइंड माई डिवाइस भी आपको ऑफ रखना है और आपको अपडेट्स भी ऑफ रखने हैं.
क्योंकि आपको अपडेट्स भी सारे हैं, आप डिसेबल कर दीजिए। ये तीन चार सेटिंग्स हैं आपको पहले करके रखनी है। तो मैं भी दिखा देता हूँ, मेरा पासकोड अभी मैंने ऑफ़ कर रखा है, मेरा कोई इसमें लॉक नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आपको अपडेट्स में जाना है और अपडेट्स भी ऑफ़ रखने हैं, मेरे अपडेट्स पहले से ही ऑफ़ हैं। उसके बाद आपको फाइंड माई फ़ोन है, आपको फाइंड माई फ़ोन भी ऑफ़ रखना है। ये तीनों चीज़ें आपको ऑफ़ रखनी है जेल ब्रेक करने से पहले, क्योंकि अगर आप ये ऑन रख के जेल ब्रेक करेंगे तो आपका जेल ब्रेक नहीं होगा, आपके एरर आ सकता है। तो इसलिए इनको पहले आप ऑफ़ कर लीजिए सेफ साइड के लिए। फिर उसके बाद आपको यूएसबी प्लग करनी है, तो आप लाइटनिंग केबल आप ओरिजिनल यूज़ कीजिए। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके ट्रस्ट डिवाइस आ जाएगा, तो आप उसको ट्रस्ट पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपका डिवाइस वहाँ सपोर्टेड आ जाए। आप देख सकते हैं मेरा आईपैड मिनी 12.4.4 पे चल रहा है और ये अभी इसमें चेकरिन पे सपोर्टेड है। 12 से लेकर 13.2.2 या 13.3.1 तक आपका ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको उसका जेल ब्रेक करके दिखाता हूँ। तो आपको जस्ट आपको स्टार्ट करना है और नॉर्मल जेल ब्रेक का प्रोसेस करना है, जैसे कि आपने करते हो आप हमेशा, वैसे ही इसमें भी करना है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे मेरा डिवाइस सक्सेसफुली जेल ब्रेक हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी चेकरिन ऐप भी आ गई है। अब आपको वाईफाई से कनेक्ट होना है, तो उसके बाद आपको चेकरिन की ऐप ओपन कर लेनी है। आप यहाँ पे मेरी चेकरिन ऐप ओपन हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सीडिया पहले से इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि मेरा पहले भी जेल ब्रेक हुआ है तो मेरा सीडिया पहले से इंस्टॉल है। तो आप यहाँ से जाके सीडिया भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी सारी एप्लीकेशन रन करेंगी, तो अभी ये सेमी थ्रेटेड ही है, तो अगर आप रिबूट करेंगे तो वापस आपका जेल ब्रेक हट जाएगा, तो आपको वापस से जेल ब्रेक प्रोसेस करना पड़ेगा। बट मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें परमानेंट जेल ब्रेक हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे चैनल पे आप स्टे ट्यून रहिए। मैं एक दो दिन में नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आप 13.3.1 तक सारे डिवाइस सपोर्ट हैं और वो परमानेंट जेल ब्रेक होगा। तो अगर आप रिबूट भी करेंगे तो उसके बाद भी आपका जेल ब्रेक रहेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा सीडिया भी ओपन हो गया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी नए नए ट्रिक्स जो आते हैं उस पर मैं नए वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। ताकि सुबह आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ अपडेट्स पहले ही दे देता हूँ मैं किस पर वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको आईफोन के और ट्वीक्स चाहिए या मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आईफोन के ट्वीक्स पर भी रेगुलर वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।